क्या इंसान अपनी डेस्टिनी तकदीर खुद लिख सकता है और कर्मा क्या रोल प्ले करता है इसमें? इंसान अपनी डेस्टिनी लिख नहीं सकता है क्योंकि हम एक ऐसे रंगमंच पर हैं कि अगर आप छोटा सा एग्जांपल अगर ले लें, धीरूभाई अंबानी के दो बेटे जो एक चौल में रहते थे, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, और वहाँ से वो लोग वर्ल्ड के रिचेस्ट आदमी बन गए। इसका मतलब पूर्व जन्म के कर्मों का खाता ऐसा निकला कि उनको प्रारब्ध है, उसने ऐसा अमीर बनाया। कर्म और भाग्य यानी तकदीर डेस्टिनी का इंसान के जीवन में क्या कनेक्शन है? कनेक्शन तो बहुत अद्भुत है और कनेक्शन कर्मा से डेस्टिनी क्रिएट होती है। डेस्टिनी इज देयर फॉर्च्यून। तो अब और कैसे होता है, कर्मा आपने सब अच्छे करते रहे और फिर आपने जो है डेस्टिनी को पाया। तो कहते हैं इसका एक उदाहरण है कि जैसे भाग्य में कैसे कन्वर्ट हुआ, अगर आपने बढ़िया दूध का दही जमाया और उसको रगड़ा तो उसमें से जो मक्खन निकलेगा वो डेस्टिनी की तरह काम करेगा। नमस्कार। आजकल देखा गया है कि YouTube पे, रील्स पे टॉपिक्स क्या हो रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी के, धार्मिक गाथाओं के, जो कि लोग ज़्यादा देख रहे हैं। ज्ञानवर्धक तो हैं पर और भी आगे चल के आप तरह तरह के ज्ञानवर्धक टॉपिक्स देखिए ताकि आपको चिंतन होगा और आपका बुद्धि का विकास होगा। मेरा आज का टॉपिक है एस्ट्रोलॉजी पे। मज़ेदार तो बात यह है मैं भी एस्ट्रोलॉजी पे बोल रही हूँ पर एक नए अंदाज में। मेरे पिताजी स्वामी विवेकानंद जी को फॉलो करते थे और वो हमेशा ये कहा करते थे कि भाई दीवारों पे अगर तस्वीर टांगनी है तो महापुरुषों की टांगो, जैसे स्वामी विवेकानंद जी की इत्यादि की। पर क्योंकि उन्होंने आगे चल के उनको ही याद रखा जाता है क्योंकि उन्होंने ऐसे ही कर्म किए हैं। अपने क्या है, अपन तो मर जाएंगे, फोटो लग जाएगी दीवारों पे, माला लग जाएगी और कुछ दिन बाद लोग भूल भी जाएंगे। पिताजी हमेशा ऐसे कहा करते थे कि ऐसे कर्म करो ताकि आपको दुनिया याद रखे। स्वामी विवेकानंद जी का कहना है कि अपने विचारों को नियंत्रण करें नहीं तो वो कर्म बन जाएंगे, और अपने कर्म पर अगर नियंत्रण रखा नहीं तो वो भाग्य बन जाएंगे। कर्म आप ऐसे कीजिए ताकि आपका भाग्य बहुत अच्छा बने। व्यक्ति वही बलवान है जो वो बोलता है कि मैं अपना भाग्य तकदीर खुद लिखूंगा, और जो भाग्य को कोसता रहता है वो हमेशा स्ट्रेसफुल रहता है। एक एग्जांपल बताती हूँ। आपका ऑफिस है, आप उसमें काम करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, अपने कॉलीग से अच्छा व्यवहार करते हैं और उनको मदद भी करते हैं, उनकी अपना एक एनवायरमेंट अच्छा बना रखा है, वातावरण बहुत अच्छा है ऑफिस का, रिलेशनशिप सबके संग अच्छा है, तो आपका सक्सेस ग्रोथ कैरियर में जरूर होगा। पर क्या है, डेस्टिनी में आपके लिखा हुआ है कठिनाइयाँ और रुकावटें, वो तो आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, आपको फेस करना पड़ेगा। पर इधर अचानक भाग्य, भाग्य क्या है, एक अचानक आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाती है या कोई अच्छा संयोग मिल जाता है तो आपका जो कार्य चैलेंजेस होते हैं वो आप एकदम आराम से फेस कर सकते हैं। आपको क्या भाग्य क्या है, यू हैव टू बी एट अ राइट प्लेस एट अ राइट टाइम, या आपको तो आपकी बल्ले ही बल्ले हैं। इंसान की पैनी नज़र होनी चाहिए और अच्छे कर्म होने चाहिए तभी तो आपको भाग्य का साथ मिलता है। आज हमारे बीच में डॉक्टर शर्मा, हरी शर्मा हैं। ये एक बहुत रेनाउंड वैदिक एस्ट्रोलॉजर हैं। ये 1984 से कार्यरत हैं। इन्होंने MBA भी किया हुआ है और इन्होंने SCL में जॉब भी करी है, पर उन्होंने ये सब चीज़ छोड़ के अपने फैमिली ट्रेडिशन एस्ट्रोलॉजर को अपनाया है। और इनका जो प्रिडिक्शन होता है मैं कहूँगी 95-99% एक्यूरेट होता है। इनकी वेबसाइट है Astro Envision, वहाँ पर आप जाके इनके सब जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इनको कई अवार्ड्स मिले हैं, कई उनके अचीवमेंट्स हैं और इन्होंने कई सेमिनार्स में भी पार्टिसिपेट किया है, एंड इज़ अ ब्लॉगर आल्सो, ही राइट्स आल्सो। अब इनसे जानेंगे कि कर्मा और डेस्टिनी इंसान के जीवन में क्या रोल प्ले करती है। वेलकम आचार्य जी टू माय शो, एंड नाउ यू हैव टू टेल अबाउट कर्मा एंड डेस्टिनी, हाउ दे प्ले अ रोल इन अ पर्सन्स लाइफ।
सो माई फर्स्ट क्वेश्चन इज वॉट इज कर्मा एंड वॉट आर द कैटेगरीज ऑफ कर्मा. जी, जो कर्म एक संस्कृत शब्द है तो उसमें जो क्रय है पहला वाला और दूसरा कर्मा का जो पीछे वाला हिस्सा है, तो कर्म का मतलब क्रिया, किस प्रकार की आप क्रिया करते हैं वही कर्मा में कन्वर्ट होके निकलता है. तो कर्म का मतलब आपके जो किए हुए एक्शंस हैं, जो आपने एक्शन किए, अपने जो नाना प्रकार के जो कार्य किए, वो कर्म में, कर्म को करके तब्दील होके वो फिर डेस्टिनी में कन्वर्ट होके फिर आपको फलादेश में उसकी उत्पत्ति करते हैं. आपने अच्छे कर्म किए तो अच्छा डेस्टिनी क्रिएट होगा, आपने कुछ गड़बड़ कर्म किए तो गड़बड़ वाला कर्म क्रिएट होगा. तो वो कर्म का जो खाता है वही अद्भुत एक खाता है, जो आपको आगे जाके चीजों में कन्वर्ट करता है, आपकी डेस्टिनी को एक्सेलरेटेड मोड में लेके जाता है. अब बताइए कर्मा कितने प्रकार के कैटेगरीज के होते हैं और कार्मिक कंट्रोल प्लैनेट क्या है. जी, कर्मा बेसिकली अगर आप देखेंगे तो तीन तरह के कर्म होते हैं. एक जो कर्म है आपके संचित कर्म है, जो पूर्व जन्म में आपने जो जो नाना प्रकार के कार्य किए वो संचित होते जाते हैं, एक्यूमुलेट होते जाते हैं, तो उनको बोलते हैं संचित कर्मा. और वो संचित कर्मा फिर बदलते हैं प्रारब्ध में, जो हम इस वक्त में भोग रहे हैं, जो इस जिंदगी में हम लोग जो नाना प्रकार का जो हमको सुख और दुख और फेम और नेम और वेल्थ और ये सब जो हमें मिलता है, ये हमारा प्रारब्ध है जो संचित कर्मों से उत्पन्न हुआ है. तो उसको हम प्रारब्ध वाले कर्म, संचित कर्म मतलब पिछले जन्म के, पूर्व जन्म के कर्म. आप एक जन्म भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है. पर मैं कहना चाहूंगी कि ये पूर्व जन्म तो हमने देखा नहीं, मैं तो चाहूंगी कि इस जन्म की बात करी जाए. इस जन्म की भी बात हम करेंगे तो उसको बोलते हैं क्रियामान कर्म. क्रियामान कि जो हम आज एक्शन कर रहे हैं वो हमारे आगे के लिए, फ्यूचरिस्टिक के लिए वो एक स्टोन ले करेगा, एक उसका बेस क्रिएट करेगा. क्योंकि ये तो पक्का है, ये आप भी जानते हैं कि कैसे हुआ कि एक पिता है, उसके तीन संतान हैं और तीनों संतानों का भाग्य अलग अलग है. एक बहुत अमीर है, एक अमीर बिल्कुल नहीं है. तो वही माता, वही पिता, वही वोम्ब और वही सब कुछ मिला, माँ ने वही दूध पिलाया, लेकिन तीनों का कर्म का खाता अलग अलग था. पूर्व जन्म में वो उसी माता पिता से कनेक्टेड थे लेकिन तीनों का खाता अलग अलग था. तो तीनों को अभी इस जन्म में अलग अलग प्रारब्ध मिला. एक बहुत फेमस हो गया, दूसरा कम फेमस हुआ, तीसरा बेचारा बिल्कुल भी कुछ नहीं है. तो ये कर्मों का खाता जो है ऐसे काम करता है. और क्रियामान कर्म वो है जो कर्म हम इस जिंदगी में कर रहे हैं वो, और एक नया स्टोन ले कर रहे हैं हमारे फ्यूचरिस्टिक के लिए, हमारे आने वाले बर्थ के लिए, वो काम करेगा जो हम. इसलिए कहते हैं कि अच्छा, डू द गुड डीड्स टू गेट द बेस्ट. ये क्रियामान कर्म होता है इन दिस आल्सो, इन दिस लाइफ आल्सो, कि भाई अच्छे कर्म करेंगे तो इस लाइफ में भी अच्छा मिलेगा ही, इस लाइफ में भी उसका इम्पैक्ट आना शुरू होगा और आने वाले के लिए आना वाला शुरू होगा. अब आपने पूछा कि कार्मिक कंट्रोल प्लैनेट, देखिए जो बहुत सारे जैसे प्लानिटरी कॉम्बिनेशन होते हैं, और हिंदू माइथोलॉजी में, एस्ट्रोलॉजिकल डिक्टम में 9 प्लैनेट होते हैं जिसके अंदर मून, मरकरी, वीनस, सन, मार्स, जुपिटर, सैटर्न और फिर राहु और केतु. सो राहु केतु हो बोलते हैं छाया ग्रह, बट दे आर द रियल कार्मिक कंट्रोल प्लैनेट्स. अब उनके जो राहु केतु के डिस्पॉजिटर होते हैं, इसका मतलब है कि राहु जिसके हाउस के लॉर्डशिप में बैठा है, केतु जिस हाउस के लॉर्डशिप में बैठा है, अगर राहु मंगल के लॉर्डशिप में बैठा है, केतु उसके लॉर्डशिप में, तो वो भी प्लैनेट उसमें एक बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं आपको कि कैसे कैसे आपका पूर्व जन्म का खाता था. लॉर्डशिप, लॉर्डशिप को हिंदी में आप कैसे बताएंगे? लॉर्डशिप मतलब कि मैं आपके घर में बैठा हूँ अगर, तो आप लॉर्ड हैं उसके. ओके. हाँ, अगर जैसे मैं आपके पास बैठा हूँ, आपके मेरा मेरा जो मतलब जो चार्ट है और उसमें जो खाने में कोई प्लैनेट बैठा हुआ है, नहीं तो... जिसमें राहु, जहाँ राहु बैठा है उसका कंट्रोलर कौन है? बिकॉज राहु केतु शैडो प्लैनेट है, इनका कोई कंट्रोलर अपने आप नहीं होता है, ये तो जिसके घर में बैठते हैं वही कंट्रोलर होता है उनका, इसीलिए इनको बोलते हैं शैडो ही प्लैनेट. तो राहु और केतु मेन, दे आर द रियल कार्मिक अफेयर. ओके, दे शो यू द रियल कार्मिक स्टफ ऑफ द लाइफ. ओके ओके जी. क्या इंसान अपनी डेस्टिनी, तकदीर खुद लिख सकता है और कर्मा क्या रोल प्ले करता है इसमें? इंसान अपनी डेस्टिनी लिख नहीं सकता है क्योंकि हम एक ऐसे रंगमंच पर हैं जो हमने संचित किया है, उसको प्रारब्ध के रूप में पाया है, हम उसको भोग रहे हैं.
अगर हमको अपना चेंज जो करना है तो हमको बेस्ट कर्मा करना पड़ेगा। अपनी डेस्टिनी को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप छोटा सा एग्जांपल अगर ले लें, धीरू भाई अंबानी के दो बेटे जो एक चौल में रहते थे, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, और वहाँ से वो लोग वर्ल्ड के रिचेस्ट आदमी बन गए। इसका मतलब पूर्व जन्म के कर्मों का खाता ऐसा निकला कि उनको प्रारब्ध है, उसने ऐसा अमीर बनाया। और नाना प्रकार के एग्जाम्पल हैं, हमारे मोदी साहब कहाँ से कहाँ पहुँच गए, किसी ने सोचा ही नहीं था कि गुजरात के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ इंसान वो भारत का प्राइम मिनिस्टर और अद्भुत प्राइम मिनिस्टर और 10 साल से प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। तो वो उनके बेस्ट डीड्स जो पूर्व जन्म में किए वो संचित हुए और इस जन्म में मैनिफेस्ट हुए। उनके तो भाई हैं, वो कहीं अध्यापक हैं या गवर्नमेंट जॉब में काम करते हैं, वही दोनों भाई देख लीजिए, सबको पता है कि सारी दुनिया को पता है, बिलियंस ऑफ लोगों को पता है कि बड़ा भाई किधर है, छोटा भाई किधर है। यही कर्म का खाता है, यही डेस्टिनी की तरफ लेके जाता है इंसान को। डेस्टिनी चेंज करने का है कि बेस्ट कर्मा करेंगे तो डेस्टिनी अपने आप ही अद्भुत होगी, अपने आप ही शाइन करेगी, वो कमाल करेगी एकदम। बिल्कुल, अगर पहले से ही सब चीज़ निर्धारित है, जैसे आपने बोला कि डेस्टिनी पहले से ही निर्धारित है, तो फ्री विल यानी स्वेच्छा, अपनी इच्छा, अपनी चाह, अपनी डिज़ायर कैसे काम करती है? वो जो जो अब क्रियामान कर्मा है वो फ्री विल है। फ्री विल है ये क्रियामान की जो आज की तारीख में हम कर्म कर रहे हैं, ये फ्री विल है, ये फ्री विल है। दैट मैं अच्छा करूंगा। हर बार जब भी आप कुछ खराब करने का कोशिश करते हैं या अच्छा करने का कोशिश करते हैं, हमेशा एक दुविधा होती है। आप एक ऐसे उसमें रहते हैं कि करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं, और फिर उसमें जो राइट डिसीजन आपको लेना है वही आपको ले जाएगा बेस्ट की तरफ या वर्स्ट की तरफ। अब एक किसी को कोई मारने का प्रयास करता है, अब वो उसने पिस्टल उठा लिया कि मैं इसको मार दूं, या तो बोलता है मार दे इसको, और दूसरा होता है कि नहीं मारना नहीं, इसको मैं रख लेता हूँ, इसको समझाता हूँ, इससे प्रेम से बात करता हूँ, हम दोनों के बीच में सामंजस्य उत्पन्न हो जाएगा, हम लोग अच्छे से रह पाएंगे और हम लोगों के बीच में जो भी डिस्प्यूट है उसको हम सॉर्ट आउट कर पाएंगे। या दूसरा रास्ता है कि मैं उठा के उसको शूट कर दिया, वो है क्रियामान, वो है करंट कर्मा, करंट कर्मा। हाँ, वो कर्मा अपने आप में मैनिफेस्ट करता है और वो बिल्कुल एकदम अद्भुत तरह से ले जाता है आपको। कर्म और भाग्य यानी तकदीर, डेस्टिनी का इंसान के जीवन में क्या कनेक्शन है? कनेक्शन तो बहुत अद्भुत है, और कनेक्शन कर्मा से डेस्टिनी क्रिएट होती है। डेस्टिनी इज देयर फॉर्चून। तो अब और कैसे होता है, कर्मा आपने सब अच्छे करते रहे और फिर आपने जो है डेस्टिनी को पाया, तो कहते हैं इसका एक उदाहरण है कि अद्भुत उदाहरण है जिसको बोलते हैं कि भाग्यम फलती सर्वत्र न च विद्या तपोधनम। भाग्य सर्वत्र फलता है, विद्या तप और ये सब चीजें सेकेंडरी अफेयर हैं। इसका मतलब है डेस्टिनी हमारा, फॉर्चून हमारा अद्भुत होना चाहिए। जब हम एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट देखते हैं तो उसमें देखते हैं भाग्य का खाता अद्भुत है, तो उसके लिए चीजें अपने आप ही प्रतिपादित होती रहती हैं, सपोर्टिंग फैक्टर मिल जाते हैं, लोग मिल जाते हैं, उनको उठा के ऊपर ले जाते हैं, क्योंकि भाग्य काम कर रहा है और जो आपने अच्छा कर्म किया वो भाग्य में कन्वर्ट हुआ एकदम। जैसे भाग्य में कैसे कन्वर्ट हुआ, अगर आपने बढ़िया दूध का दही जमाया और उसको रगड़ा तो उसमें से जो मक्खन निकलेगा वो डेस्टिनी की तरह काम करेगा। पर यहाँ पर मैं आपको एक बोलना चाहूंगी कि अगर डेस्टिनी में, अगर चार्ट में बाय आदमी अच्छा कर्म कर रहा है और चार्ट में उसके या डेस्टिनी में उसके नहीं लिखा हुआ है, तो फिर वो क्या करे इंसान? वो क्रियामान जो चीज है, जो करंट कर्मा है, दे विल चेंज द एंटायर थिंग। उसके लिए हम लोग उसमें जाएंगे, अगली सीरीज में बताएंगे कि कैसे जो कर्म हमारे इस जन्म में जो हम क्रियामान कर्म करेंगे वो एस्ट्रोलॉजिकली हम कैसे उनको अच्छे से अपनी चीज़ों को कन्वर्ट कर सकते हैं, उनको हम एकदम मिटिगेशन कर सकते हैं, तकलीफ का दूरी दूर कर सकते हैं, तकलीफ को एलिमिनेट कर सकते हैं, वो हम अगले वाले उसमें इस बात पर बात करेंगे कि कैसे अद्भुत चीज़ें अपने आप में कन्वर्ट होकर निकलती हैं। तो आपने आचार्य जी से सुना है कि डेस्टिनी तो फिक्स रहती है पर आप अपने अच्छे कर्म से उसको बदल सकते हैं। Exactly. तो अब आप हमारा ये चैनल लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और आगे के एपिसोड का इंतजार कीजिए।